गुड इवनिंग नंदिता, कैसे हैं आप लोग? अरे वाह, बहुत ज्यादा लोग आज तो ज्वाइन हो गए। गुड इवनिंग नंदिता। गुड इवनिंग सभी को, पूजा, मोनिका, जैस्मीन, है ना? गुड इवनिंग सबको। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की, है ना? तो उसका असर अभी था थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, वायर आ रही है सही या फिर मैं इसको लगा लूँ क्या, माइक को? लगा ही लेती हूँ माइक, है ना? तब तक आप लोग बताइए, बाकी सब लोग कैसे हैं? पूजा, नंदिता, पूजा रघुवंशी, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मिले हैं ना? हाँ, वेदर चेंज हुआ क्योंकि मैं घर गई थी ना, तो यूपी में तो थोड़ी सी गर्मी है, और उसके बाद फिर मैं शिलोंग गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। मिजोरम से ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। और अच्छा पूजा, ठीक है। पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? तो बहुत दिन से पढ़ाई छूट गई थी आपकी, है ना? 10 दिन बाद मैं क्लास ले रही हूँ आपकी। लास्ट क्लास मैं 20 को ली थी, है ना? 20 को लास्ट क्लास, मुझे जहाँ तक याद है 20 को लास्ट क्लास हुई थी शायद आपकी। उसके बाद करीब 10-11 दिन हो गए, है ना? चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यूनिट 10। बहुत दिन से स्टार्ट हो रहा पर ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ, वो उस दिन का तो काउंट करना ही बेकार है ना नंदिता, उस दिन तो क्लियर ही नहीं पाया ना। क्या है कि रूम में तो अच्छा वाईफाई आ नहीं रहा है ना? वाईफाई बहुत स्लो, और ये जो सॉफ्टवेयर है ना क्लास प्लस का जो ऐप है, इसको तो मैंने हमेशा बताया कि थोड़ा ज़्यादा इसको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, मतलब थोड़ा मजबूत नेटवर्क चाहिए, है ना? स्पीड अच्छी चाहिए, इस वजह से दिक्कत होती है। और अगर मैं बाहर लूँ, जहाँ मैं होटल में रुकी थी, अगर मैं उसके बाहर लूँ तो वहाँ नेटवर्क अच्छा रहेगा, लेकिन बात यह है कि वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहाँ क्लास लेना थोड़ा हो नहीं पाएगा, है ना? बहुत शोर वगैरह होता है। वॉइस सही आ रही है मेरी आप लोग को? इस वजह से क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो गई आपकी। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने दिन क्लास नहीं ले पाऊंगी, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था। मुझे लगा कि सेट हो जाएगा सब कुछ, पर हो नहीं पाया। गुड इवनिंग ज्योति। चलिए अब क्लास हम लोग स्टार्ट करें। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई भी बात हो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं यूनिट 10। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि बहुत इजी टॉपिक है आपका, और क्वेश्चंस उसके भर भर के आते हैं। अभी जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें जो लोग दिए होंगे वो लोग जान रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। हम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 15-20 क्वेश्चन बने होंगे, है ना? दोनों पेपर मिला के 20 से कम क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 18-20 तो नहीं होंगे। तो इजी टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है ना? क्लास स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, ये पिलर फॉर्म की सोशल मीडिया साइट है जो कि आपकी इंस्टा आईडी है, और इंस्टा आईडी और टेलीग्राम
टेलीग्राम की आईडी और व्हाट्सएप है ना, और सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और एजुकेशन का भी अलग से ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग यहाँ से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपके इसी से मिलते रहेंगे आपको, एजुकेशन के भी और फर्स्ट पेपर का भी। फिलर फॉर्म पे आपको पेपर वन और पेपर टू के कोर्सेस मिलते हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलर फॉर्म पे अगर आप मेरा कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं पेपर वन या पेपर टू एजुकेशन का, तो ANCS10 कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ मिल जाता है। चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, मतलब समावेशी शिक्षा। हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इंग्लिश में हमारा क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सबको हमको एजुकेशन देना है ना। अभी मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ, फिर उसकी जो डिफिनेशन वगैरह है, WHO ने क्या बोला, UNESCO ने क्या बोला, तो ये सब भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो आप देख लीजिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, डाइवर्स लर्नर क्या होते हैं है ना, डाइवर्स का मतलब कि अलग अलग टाइप के लर्नर है ना, किसी की IQ बहुत ज्यादा है, किसी की IQ बहुत कम है, या फिर किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटीज है, कोई सामान्य बच्चा है, तो वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्स है ना, कि मतलब बहुत सारे इसमें, तो इसको भी आपका डाइवर्स लर्नर। तीसरा आप देखिए स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, ये एक तरीके से जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको बताएगा कि आज तक जो ये टर्म यूज हो रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रेजेंट टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन ये पहले क्या था, पहले ये था स्पेशल एजुकेशन, फिर इंटीग्रेटेड हुआ और बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन आया है ना। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो ऐसे बच्चे हैं मतलब डिसेबल चाइल्ड है हमारे, उनके लिए हम अलग से क्लासरूम की व्यवस्था करते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कि स्पेशल बीएड होता था, तो वो स्पेशल बीएड अलग से कराया जाता था और वो टीचर स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट करते थे, ओके। तो वो हमारा होता है स्पेशल एजुकेशन, मतलब पहले के टाइम, एक तरह से आप इसको तीन समय में बांट सकते हैं ना, कि पहला समय आपका स्पेशल एजुकेशन का, तो दूसरा आपका इंटीग्रेटेड था, और तीसरा आपका क्या होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्पेशल का ये मतलब होगा कि पहले के टाइम में हम अलग से उनकी व्यवस्था करते थे, उनके लिए अलग से हम स्कूल बनवाते थे, अलग से टीचर करते थे, उनको अलग हम पढ़ाते थे। फिर उसके बाद क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना है ना, तो जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है उनको हम नॉर्मल चाइल्ड के साथ रख के पढ़ाने लगे, लेकिन इनके अंदर क्या था, एक बैरियर था, बैरियर था मतलब कि हम स्कूल में तो पढ़ाएंगे उनको, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखेंगे है ना, उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो देना है वो अलग से मिलता था, मतलब एकदम नॉर्मल वे में हम एजुकेशन नहीं देते, तो इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट मिले। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके आए, ओके, हमारी गवर्नमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके आई, मतलब कि समावेशी शिक्षा, कि हम जो बच्चे हैं, जो डिसेबल चाइल्ड है, जिनको किसी भी ज्यादा नीड है किसी भी चीज की, तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ हम मिलके पढ़ाएंगे, इसके क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है, सबके बारे में पढ़ना है, क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां इसमें आई है ना। तो स्पेशल इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपने देखा, ओके। थोड़ी खांसी मेरी बीच बीच में आपको डिस्टर्ब कर सकती है ना? और इसका क्या हुआ कि जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, उसके लिए टाइम टाइम पे अलग अलग तरीके से कुछ प्रोविजंस आए, कुछ पॉलिसीज को ले आया गया, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि मतलब इन लोगों के ऊपर हमको एक्स्ट्रा फोकस करना है। जैसे कि हमारा क्या आया, सर्वशिक्षा अभियान आया, ओके। तो सर्वशिक्षा अभियान में हम तो ये कोशिश किए कि जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनमें अलग तरीके से इंक्लूसिव बच्चों को भी शामिल किया गया, डिसेबल चाइल्ड को भी शामिल किया गया, मतलब उन पे भी हम फोकस करने की ज्यादा बात की। जैसे रमसा आया, तो रमसा में भी आपने देखा था, अभी पढ़ाया था मैंने पिछले यूनिट में, कि रमसा में भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई थी है ना, मतलब वो जो पॉलिसीज आई उसमें भी हम ये ध्यान रखें कि जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है या फिर हम बोले डाइवर्स लर्नर है, उनको एक्स्ट्रा नीड, उसके लिए हमको अलग अलग टाइप की पॉलिसीज ले आना पड़ता है
ओके। तो कुछ पॉलिसीज के बारे में जैसे कि आपको पढ़ना है, कुछ लीगल प्रोविजन जो ले आए गए, जैसे कि हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि कब आया था, 1986 में आया था। इसमें क्या क्या बात कही गई इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? हाँ यस यस नंदिता। और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो ये एक्ट आया ना 1995 में, इसमें क्या बताया गया था, 21 तरीके की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, कि मतलब किसी व्यक्ति के अंदर 21 में से कोई भी एक डिसेबिलिटी हो या दो डिसेबिलिटी हो तो वो किस में आएगा, डिसेबल चाइल्ड में आएगा। और उनके लिए हम एक्ट लाए थे, पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, जिसको बोला गया पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें था कि उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, जैसे कि आप देखेंगे रिजर्वेशन वगैरह होता है, उनको बस में भी होता है, ट्रेन में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, उनका अगर कहीं जॉब लग रही है तो उसमें भी होगा। तो ये इसी से आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चेंज ले आया गया इस एक्ट को ले आने से, जो भी हमारे डिसेबल चाइल्ड थे। फिर आपको पढ़ना है नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज, जो कि आपकी आई थी 2006 में आई थी, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो फ्रेमवर्क आपका आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला, इसमें बच्चों की बात हुई थी, है ना, और 2009 वाला जो आया तो उसमें किसकी बात हुई थी, टीचर एजुकेशन की बात हुई थी। तो जो 2005 का आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब एक करिकुलम बनाया गया था उसमें, तो उसमें जो करिकुलम बनाया गया उसमें डिसेबल चाइल्ड को भी ध्यान में रख के दिया गया, उनके लिए क्या क्या चीजें हमको अपनानी, क्या क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनानी, और डाइवर्स लर्नर के लिए क्या क्या हमको फैसिलिटीज अपनानी है, ठीक है, एकेडमिक या फाइनेंशियल तरीके से, और रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है 1992 का, इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान ने क्या बोला था उसके लिए, और फीचर ऑफ UNCRPD, ये यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है, जिसके तहत ये इसमें काम करता है कि जो हमारे डाइवर्स लर्नर हैं उनके उनके मतलब अच्छाई के लिए काम करता है, मतलब कि उनको फैसिलिटीज देता है। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल की संस्था है, इसमें बहुत सारे देश शामिल है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अभी आपको ये समझ में आया कि आपको पढ़ना क्या है Unit 10 के Part 1 में। ओके, इतना समझ में आया, एक बार मुझे रिप्लाई करिए, मेरी आवाज जा नहीं रही है क्या? ओके, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा, है ना, समावेशी मतलब कि जिसमें जो आवेश है वो क्या है, समान हो, सबका आवेश समान हो, मतलब कि जो हमारे सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे जैसे कि मान लीजिए कि आपके आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं ना, 10-20 बच्चे होंगे आपके आसपास जहाँ भी आप रहते होंगे, तो 10 में से हर कोई तो नॉर्मल नहीं होगा, किसी के साथ कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या है, सबका आवेश एक होना चाहिए, समावेश, ये हमारा होता है एजुकेशन, मतलब कि एक ही छत के नीचे सारे बच्चे एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज विद दैट ऑफ नॉर्मल वंस विद इन ऑन सेम रूम, मतलब चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे वो उसके अंदर कोई डिसेबिलिटीज हो, सारे लोग एक साथ मिलके एजुकेशन लेंगे, ये हमारा होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। It brings all students together in one classroom and community, regardless of their strength or weakness in any area that seek to maximize the potential of all students. ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है ना, किसी के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी, मतलब अच्छाइयाँ होंगी, उसका IQ लेवल अच्छा होगा, है सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होगी, किसी का वीक होगा, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, एक साथ
मतलब अलग अलग पोटेंशियल के बच्चे एक साथ आके एजुकेशन अपने लेंगे, एक ही क्लासरूम में, एक ही कम्युनिटी में बच्चे लेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है उनके अंदर एक हीन भावना नहीं पैदा होती है ना, उनको भी ये लगता है कि मैं भी ये सबकी तरह मैं समान हूँ। अगर किसी बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा डिसेबल है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है, तो वो एक साथ एजुकेशन दे दिया जाता है उनको। अगर उसको हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं, अलग से मतलब कर रहे हैं उसको हर चीज बार बार, तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील होता है ना, कि सब लोग चाहता है कि हमको सहानुभूति नहीं चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट अलग होती है और जो सहानुभूति होती है वो अलग होती है। तो हर कोई चाहता है कि हमको रिस्पेक्ट मिले, हमको कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब सिंपैथी हमको नहीं चाहिए। सबको क्या करना है, एक एक जैसे एक रिस्पेक्ट करके एक ही तरह से एक ही समावेश में सबको शिक्षा देनी है। इससे बच्चों के अंदर अच्छा डेवलपमेंट होता है, ये सब पाया गया, इसलिए इस चीज को हम हमारी सरकार ने बढ़ावा दिया है इसको। ये क्या है, ये मोस्ट इफेक्टिव वे है प्रमोट करना इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी। समावेशी शिक्षा एक ही छत के भीतर अक्षमता और सीखने की कठिनाई वाले बच्चों को एक समान ले आता है और सबको शिक्षित करने का प्रयास करता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, क्या क्या चीजें इसमें हुई। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज अडॉप्टेड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी। एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ स्पेशल नीड एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का। इन इंडिया, इंडिया में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यानी NCERT ज्वाइंट हैंड्स विद यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ आपको पता है कि यूनिसेफ क्या काम करता है, बच्चों के लिए अच्छे से, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, सब चीजों के लिए वो काम करता है। तो वही जो डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए ये बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। तो फिर इंडिया भी NCERT के जरिए इस पे ज्वाइन हुई और उनके जो प्रोजेक्ट्स है फिर बाद में वो इंडिया में आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को क्या कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। ओके, तो डिफिनेशन याद रखिएगा यूनेस्को की, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए सेम डिफिनेशन। तो यूनेस्को ने क्या बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सारे चिल्ड्रन एक ही क्लासरूम में पढ़े, है ना, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, एक ही आवेश में सारे लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे क्या होगा कि सारे बच्चों को लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना, और जो डिसेबल चाइल्ड है उनका एक जो मोरल मोरालिटी होती है वो बढ़ेगी। अब आप देखिए इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस, मतलब कि सबको हमको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके शिक्षा देनी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, ठीक है, कि सबको समानता करके रखनी है, सारे बच्चों को एक बराबर, जैसे कि मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, सर्व शिक्षा अभियान आया, है ना, तो उसमें जो जो चीजें आ रही है वो सारे बच्चों के लिए फायदा हो, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो चाहे वो नॉर्मल हो, यानी सबको हमको क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब अगर कोई भी काम हो रहा है तो सारे बच्चे मिलजुल के पार्टिसिपेट करें, ये तभी होगा जब हम सब लोग एक साथ शिक्षा लेंगे, है ना, मानी एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे जब हम उपस्थित रहेंगे तभी ये सब चीजें हो पाती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, हमको क्या करना है, एक्सेप्टेंस लेके चलना है, मतलब वो टीचर हो चाहे वो समाज हो चाहे बच्चे हो, जो भी अगर किसी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो सबको एक्सेप्ट करके हमको चलना है। रिजेक्शन ऑफ स्कूल, रिजेक्शन ऑफ स्पेशल क्लासरूम, जो पहले के क्लासरूम बनते थे स्पेशल क्लासरूम बनते थे उनका हमको रिजेक्शन करना है, मतलब कि किसी भी बच्चे को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हमको ये भी ध्यान में रख के चलना है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का, कि हर कोई अलग है और हमको उसी हिसाब से हमको सबको एजुकेशन देना है।
चलिए हिंदी भी देख लीजिए, एकजुटता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, भागीदारी का, कि सब लोग भागीदारी करें, सबकी स्वीकृति हो, कि जो भी हमारे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए, ऐसा ना हो कि समाज में उनको अस्वीकार किया जाए। स्पेशल कक्षा है जो पहले बनाई जाती थी, विशेष कक्षा है, उनकी अस्वीकृति करना मतलब उनका रिजेक्शन करना, और व्यक्तिगत मतभेद यहाँ पे नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस है कि हर कोई क्या है अलग अलग तरीके से है। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कोप क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, इसके द्वारा क्या होता है, वेलविंग ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ इक्वली, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम क्या करेंगे, इक्वल तरीके से वैल्यू दे पाएंगे, मतलब इक्वल तरीके से सिखा पाएंगे, किसी को जो भी चीज़ करना है, रिस्पेक्ट करना है, कुछ भी करना है, सिखाना है, जो भी करना है, पढ़ाई लिखाई है ना, कोई भी पॉलिसीज आ रही है, तो सबको, हर बच्चों को हम क्या कर पाएंगे, इक्वली तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग बैरियर टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल, स्पेशली दोज हु आर कैटेगराइज एज हैविंग स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो जो बैरियर्स बने थे, जो हमारे पहले के बच्चे थे, ठीक है, मतलब पहले के टाइम का जो स्पेशल एजुकेशन चलाया जाता था, उसमें जो बैरियर्स बने थे कि कोई बच्चा मान लीजिए कि पैर नहीं काम कर रहा है उनका, ठीक है, पैर में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है बच्चा, तो वो गेम नहीं खेल पाएगा, है ना। आपको पता है जो पैरा ओलंपिक भी कराया जाता है, मतलब कि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी ओलंपिक, एक तो नॉर्मल बच्चों के लिए होता ही है, उनके लिए भी ओलंपिक होता है कि वो भी क्रिकेट खेलते हैं, वो भी बैडमिंटन खेलते हैं, वो व्हील चेयर पर बैठ के ये सब चीजें करते हैं। तो ये जो बैरियर्स है समाज का था कि आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं खेल सकते, आप नहीं गा जा सकते, तो ये सब उसमें चेंज करना था। बार बार बोलने से ना ज्यादा खांसी आ रही, इतनी आ नहीं रही थी। लर्निंग फ्रॉम अटेम्प्ट टू ओवरकम बैरियर्स टू द एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टूडेंट टू मेक चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट मोर वाइडली। ठीक है, तो मतलब सब मिला के आप इसमें रखिए कि मतलब कि जो भी हमारे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको हम अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाए, उनको अच्छे तरीके से फैमिली ट्रीट कर पाए, उनके अच्छे तरीके से उनकी कम्युनिटी है वो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाए, मतलब उनको भी जीने का अधिकार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे वो स्पेशल बच्चा हो। एक्नॉलेज करना उनके राइट्स को, मतलब कि जो उसके समाज है ना, उनके समाज को एक्नॉलेज करना मतलब बताना होता है कि सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चे क्या है हमारे सेम। और जो हमारे स्कूल है, ठीक है, उसको हमको क्या करके चलना है, इम्प्रूव करके चलना है। स्टाफ को जैसे आप देखेंगे ना कि पहले के समय में जो स्कूल थे और अब के समय में जो स्कूल है उसमें क्या है, काफी अंतर आ गया है ना, जैसे कि रैंक का बनना। ओके, और जो टीचिंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो कुछ एड्स ऐसे भी होते हैं कि जो हम डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए भी गवर्नमेंट के थ्रू टीचिंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रैम बनवाना, अच्छा मतलब उनके लिए व्यवस्था करना स्कूल में, और बाकी जो हमारे टीचर्स जा रहे हैं उनको अलग से इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाने के लिए, मतलब कि किसी डिसेबल चाइल्ड को हम स्पेशल बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब क्या हो, ये सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें, है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? अब आप देखिए कि टारगेट ग्रुप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्स लर्नर इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड लर्नर विद डिसेबिलिटीज। ओके, डाइवर्स लर्नर का मतलब आपका हो गया कि ऐसे लर्नर जो अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि उनका कल्चर अलग होगा, उनकी उनकी मतलब जेंडर अलग हो गया, ठीक है,
उनका कल्चर अलग हुआ, उनका जेंडर अलग हुआ, वो किस कास्ट से आते हैं, वो किस लोकेलिटी से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, है ना, उनकी लैंग्वेज क्या है, मतलब हर किसी का चीज़ें क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि हर कोई क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, सबके यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस है चीज़ें। तो हर चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, जब एक लाद तरह से ला रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाइवर्स लर्निंग। और इनको क्या किया गया है, तीन ग्रुपों में बांटा गया है, जैसे कि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनका ग्रुप क्या है 0 to 6 पर। ठीक है, इन्फेंट्स आपको पता है ये कहने जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो 6 साल तक के इस टाइप के बच्चे हैं, वो किसमें आते हैं, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं बच्चे, तो वो किसमें आते हैं, 6 to 14 एज में आते हैं। और 14 के बाद वाले जो बच्चे हैं, 14 से 16 इयर्स वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो डिसेबल चाइल्ड है, वो किस में आते हैं, यंग पर्सन में आते हैं, यंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, तो ये भी चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। इन्फेंट्स का आपसे पूछ रहा है तो वो क्या, आपका ग्रुप जो बटा हुआ वो किस में है, 0 to 6 में है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हुआ है, मतलब थोड़े बड़े बच्चे हुए, चिल्ड्रन हो गए हों। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, तो वो आप याद रखिए कि थोड़े से बड़े हो गए, यानी किस में है, 6 to 12 ईयर। फिर यंग पर्सन है, यानी वो एडल्ट हो गए हैं, तो 14 से ज्यादा हो गए, 14 to 16। जो हमारी डिसेबिलिटीज होती है वो मैंने बताया कितने तरीके की होती है, 21 तरीके की होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो PWD एक्ट आया था उसमें डिसेबिलिटीज कितने तरीके की मानी गई है, तो आपका कितने प्रकार, 21। तो अलग अलग डिसेबिलिटी है, जैसे कि मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, किसी की हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के आँख में दिक्कत है, किसी की कॉर्नर की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पैर में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब आँख से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो अलग अलग टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी। और इसी डिसेबिलिटीज को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए जो एक्ट आया उसी को हम बोले थे, मतलब बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि हमारा आया था 1995 में। तो अलग अलग टाइप की जिसमें डिसेबिलिटीज होती हैं, जो इसके थ्रू कवर होती हैं, कितनी होती हैं, 21 होती हैं। अब देखिए कि स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है ना, स्पेशल इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव, तीन टर्म आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे उसकी डिफिनेशन आप देख लीजिए कि मेन डिफिनेशन उसकी क्या होती है। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज आर थॉट विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन मेकिंग द इंस्क्रिप्शन। स्पेशल एजुकेशन का क्या होता है, जो बच्चों की करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी है उनको लिए हम स्पेशल इम्फेसिस, मतलब कि हम स्पेशल तरीके से क्लासरूम बना रहे हैं, स्पेशल तरीके से हम जो टीचर हमको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो स्पेशल बी एड हम कराते हैं। ठीक है, आप लोग भी सुने होंगे इसके बारे में, स्पेशल बी एड के बारे में। तो वो उन्हीं बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ जो उनके करिकुलम बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो ये हमारा होता है स्पेशल एजुकेशन। देखिए, जो भी हमारी डिसेबिलिटीज है, ओके, तो कुछ हद तक अगर है, थोड़ी बहुत है, तो वो उनके साथ मतलब ट्रीट की जा सकती है। लेकिन किसी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको तो स्पेशल एजुकेशन की नीड होगी। तो स्पेशल एजुकेशन जो है अभी बंद नहीं हो चुका है, उसके अभी भी कॉलेज है, तो वो उन बच्चों के लिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो वो साथ में बैठ कर देखे, कोई एकदम नहीं देख पा रहा है, तो टीचर उस पर कितना ध्यान दे पाएगा, है ना। हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे आ जाए स्कूल में, एकदम से प्रॉब्लम है, किसी को एकदम नहीं सुनाई दे रहा, तो मान लीजिए मशीन वगैरह यूज कर लिया, लेकिन मान लीजिए उसको मशीन से भी ना सुनाई दे रहा है। किसी को बहुत ज्यादा अगर डिसेबल्ड है, किसी का जो आईक्यू लेवल है एकदम कम है, उनको भी हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रख सकते, वो क्लास में डिस्टर्बेंस ही पैदा करेंगे, है ना। तो जो डिसेबिलिटीज है वो भी वहीं तक है कि जहाँ तक वो टॉलरेट कर सके, बच्चे उनको समझ सके और टीचर भी वहाँ तक उनको समझ सके, मतलब उनको समझा पाए, ओके, वहीं तक हम ये एजुकेशन इंक्लूसिव रखेंगे। लेकिन जहाँ से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, जो कि पहले के समय में चलते थे। पहले के समय में सारे बच्चों को ट्रीटमेंट होता था, अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो हमारे देश में जो रेशियो है वो है कि हल्की फुल्की डिसेबिलिटीज का है, मतलब वो चल जाते हैं साथ में,
नॉर्मल एक्सो के साथ। स्पेशल एजुकेशन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इंडिविजुअली प्लान एंड सिस्टमेटिकली मॉनिटर अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है वो अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए अलग तरीके से हम इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसमें प्लान बनाते हैं। सिस्टमेटिकली तरीके से हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। जो हमारे टीचिंग है, ठीक है, जो हमारे टीचर हैं वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग को ट्रेन किए जाते हैं। उनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं जो उनके लिए मटेरियल। मान लीजिए कि कान से कोई परेशानी है उसको मशीन करेंगे, किसी के आंख से नहीं है तो जो ब्रेन लिपि आपने सुना है उसको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, किसी को मतलब माइंड की प्रॉब्लम है, मतलब कम उसका आईक्यू है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल चीज़ें दिखाएंगे, ऑडियो विजुअल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इन सब चीज़ों का हम इसमें ज़्यादा यूज करेंगे। स्पेशल एजुकेशन इस टाइप की होती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलिए पढ़िए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या हुआ कि हम दोनों को एक साथ करके चले गए। द चिल्ड्रन रिमेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल क्लासरूम लर्नर, है ना। जो हमारा क्लासरूम है, जो एक नॉर्मल क्लासरूम है, उनके साथ ही हम वो भी बच्चों को रखते हैं, लेकिन कि ये होता है कि उनको थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट अलग दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मतलब कि एक ही क्लास में न रख के, जैसे कि मतलब क्लास वन है चल रहा है, ठीक है, क्लास वन में हम स्पेशल चाइल्ड को रखें और एक क्लास हम और बना दिए उसके बगल में जो हमारे क्लास वन के मतलब स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें भी होता है कि बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है कि मतलब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमको अलग से रखा गया, अलग से देखा जा रहा था। तो कुछ समय तक इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी ये चला। फिर उसके बाद हमारा आ गया, चलिए थोड़ा सा इसमें और भी देख लीजिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है कि क्लासेस विद नॉर्मल चिल्ड्रन ऑन आइदर ए पार्ट और फुल टाइम बेसिस, ठीक है, कि जो क्लासेस चलती है वो नॉर्मल बच्चों के साथ चल रही है, या फिर वो पार्ट टाइम चल रहे हैं या फिर वो फुल टाइम चल रहे हैं। जैसे कि मतलब ये हो गया कि अलग से उनको ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब हम मिला रहे हैं। तो उनका जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं यानी जो उनकी पढ़ाई करा रहे हैं वो कैसे हो रही है, एकीकृत करके उनके साथ तो हम रख रहे हैं लेकिन उनको हम थोड़ा स्पेशल रख कर रहे हैं, है ना। उनको या तो हम पार्ट टाइम ज्वाइन करा दिए उसमें, या फिर कभी कभी कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिसमें हम एक क्लास दो क्लास में हम फुल टाइम उनको पढ़ा दिए, है ना, फिर हम उनको अलग से पढ़ा रहे हैं। मतलब समय समय पे उनके अंदर बहुत चेंजिंग करना कि कभी नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाना, कभी उनको अलग से बैठाना। मान लीजिए कुछ ऐसी क्लासेस हो रही है, कुछ वीडियो चल रहा है, तो हम क्या किए सारे बच्चों को एक साथ बैठा लिया, फिर अलग से उनको क्लास में बैठा कर ट्रीटमेंट दे। मतलब कि है तो साथ में लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फिर हमारा आ गया इंक्लूसिव, कि ये दोनों नहीं करना है ना, स्पेशल एजुकेशन के लिए क्योंकि इसमें बच्चों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी और इंटीग्रेटेड में भी बढ़ रही थी। फिर आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन के, अब तो सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कोई भी डिसेबिलिटीज हो, कोई भी रीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसका सेक्स कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज बैरियर, तो सबको हमको एक साथ ही देना है। मतलब कि सब मिला के टीचर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक साथ ट्रीटमेंट देनी, सबको एक साथ हमको पढ़ाई करा देनी। इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द कल्चर करिकुला एंड कम्युनिटीज ऑफ लोकल मेन स्ट्रीम स्कूल। जो हमारे लोकल मेन स्ट्रीम स्कूल है, मतलब जो हमारे एरिया के जो स्कूल है, उन सब में हम क्या करेंगे, जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड है, जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है, सबको हम एक साथ शिक्षा देंगे और सबके लिए जो वहाँ का करिकुलम है वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। यानी अब हमको क्या करना है, करिकुलम में ही चेंज करना है ताकि ऐसा करिकुलम बन सके कि जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है वो भी इसको समझ सके, जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड है वो भी इसको समझ सके। ओके,
it includes all the students who are away from the education for any reason, like physically or mentally challenged. ठीक है, किसी के अंदर बौद्धिक क्षमता कम है, शारीरिक क्षमता कम हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिकली तरीके से वो कमजोर है, सोशली तरीके से कमजोर है ना, डिप्रीवेट है, मतलब उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, वंचित रह पाए, है ना, बिलोंगिंग्स टू एनी कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, मतलब कोई कहीं का भी हो, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटीज से नहीं है, आपसे क्वेश्चन इससे घुमा के पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। नॉर्मल चाइल्ड जो है वो किसके साथ है, डिसेबल चाइल्ड के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, या फिर जो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं जितनी अच्छी है वो भी है, सोशल जो इनकी सोशल कंडीशन अच्छी नहीं वो भी है, या फिर डिप्रीवेट चाइल्ड है वो भी है, ठीक है, या फिर वो अलग कास्ट के हैं वो भी आ रहे हैं। तो हमको ये करना है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सारे लोग को लेके चलना है, जिसकी ज्यादा बुद्धि है, ठीक है, किसी का आई क्यू लेवल मान लीजिए ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है ना, 120 से ज्यादा किसी का आई क्यू लेवल है, तो वो क्या होता है, वो तो आता है ना कि मतलब ज्यादा बुद्धिमान बच्चा है, तो उसको लिए भी हम अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है, सबको हम साथ लेके चलना है। वो भी क्या हो गया, अभी नॉर्मल से ज्यादा हो गया है ना, कोई किसी भी कास्ट का, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी जन किसी भी मतलब मान लीजिए उसको मेंटली चैलेंज बच्चा है, फिजिकली चैलेंज बच्चा है, किसी भी बच्चा की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सबको हमको एक साथ लेके चलना, हमें अपने करिकुलम में चेंज करना है, हमें अपने टीचर्स की जो मेथडोलॉजी है उसमें चेंज करना है, और उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पे आप तीनों का कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको आप जो हमारी स्पेशल एजुकेशन होती थी, है ना, जैसे मैंने बताया, तो उनके लिए हमको क्या करना है, अलग से स्कूल खोलना है, अलग से इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना है, अलग से टीचर प्रोवाइड कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए ना, तो ये क्या होगी हमारी हाई कास्ट थी। और ये क्या थी इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन था, मतलब कि दोनों को एक साथ रख के चलना है ना, कॉस्ट नॉट सो हाई, ठीक है, इसमें जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा, मतलब स्पेशल से ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन इंक्लूसिव से थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ समय समय पे हम क्या कर रहे हैं, उनको अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके। और इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों की अपेक्षा यहाँ से कॉस्ट क्या है, एकदम ही कम आएगी, और ये क्या है, जो इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी, इंक्लूडिंग ऑल चाइल्ड, जो भी हमारे चाइल्ड हैं, जितने भी हमारे चिल्ड्रन हैं, सबके लिए इफेक्टिव लर्निंग हम यहाँ पे करा पाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, और ये इसकी कास्ट भी बहुत कम होती है। जो हमारा स्पेशल एजुकेशन होता है वो क्या होता है, ज्यादातर हमारा चैरिटी ओरिएंटेड, मतलब हम इसके लिए चैरिटी करते हैं, जैसे होता है ना कि आप देखेंगे आपको ऐप वगैरह कोई खोल ले तो भी आप पे आ जाता है कि ये एनजीओ, इसमें आप डोनेट करिए पैसा, है गवर्नमेंट भी डोनेट करती है, कुछ अलग से प्राइवेट एनजीओ बनाए जाते हैं, या फिर हम पब्लिक से भी पैसा मांगते हैं, यूट्यूब वगैरह में भी देखेंगे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे चैनल, या फिर आपको ऐड चलते दिख जाते हैं, तो वो क्या है, उसके लिए हम अलग से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो चैरिटी ओरिएंटेड होता है, पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है इसमें। ये क्या होता है, ही इज कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, लेकिन ये क्या है, इससे अलग है कि मतलब हम स्कूल में इस चीज को पढ़ा रहे हैं, कोई चैरिटीज का इसमें काम नहीं हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द सोशल मॉडल ऑफ द डिसेबिलिटी, कि हम जो नॉर्मल स्कूल हमारे चल रहे हैं उसी में ये सब चीजें होंगी, जो हमारा समाज का नॉर्मल मॉडल चल रहा है उसी अकॉर्डिंग सब चीजें होती रहती हैं। इसमें क्या हो गया स्पेशल एजुकेशन में, कि टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप, इसके जो टीचर इफेक्टिवनेस होता है, मतलब कि जितने लोग को हम पढ़ा रहे हैं, टीचर एजुकेशन दे रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, या फिर स्पेशल चाइल्ड को हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है उनके पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे जो टीचर बन रहे हैं बस उतने ही बन पा रहे हैं, है ना, मतलब वही लोग उसको संभाल पाएंगे, हर कोई उसको संभाल नहीं पाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, मतलब जो हमारे टीचर हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं इन दोनों में, ओके। और ये क्या होता है, सेल्फ में हैव लो सेल्फ स्टीम,
जो हमारा आत्मसम्मान है, जो हमारे अंदर सेल्फ स्टीम है, वो क्या होती है यहाँ पे, लो हो सकती है। क्योंकि जो स्पेशल बच्चा है उसको लग रहा है कि हमारे एरिया के सारे बच्चे ही स्कूल पे जा रहे हैं, पर मुझे तो स्पेशल नीड वाले नहीं जाना पड़ता, मेरे अंदर कमी है। तो हमारा जो सेल्फ स्टीम होता है वो क्या होता है यहाँ पे, कम हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और इसमें सबसे अच्छा रहेगा, मतलब सबको लेकर हम, मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह। और यहाँ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन द मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, और मेडिकली जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं ट्रीटमेंट जो बोल रही हूँ, यानी यहाँ पे एजुकेशन देने की बात हो रही है। ओके, इसमें क्या जरूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, स्पेशल करिकुलम की जरूरत पड़ती है, और स्पेशल मेथोडोलॉजी की जरूरत पड़ती है, किस हिसाब से हमें इनको ट्रीट करना है। विच एज ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटी विद क्लिनिकल ब्लडनेस नीडिंग रेमेडी, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमको जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटेड, उस हिसाब से हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं, अलग अलग टाइप के रेमेडी ले आते हैं, जिस हिसाब से हमको नीड होती है बच्चों की। और ये क्या होता है, ये तो सबके लिए एक तरह होता है। ओके, तो ये आपका तीनों का क्या है, कंपेरिजन करके बताया मैंने, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमारा हो गया डाइवर्स लर्नर। ओके, तो इतना समझ में आया यहाँ तक आपको? ओके, डाइवर्स लर्निंग का मतलब ये हो गया कि वही जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात मैंने किया, कि सारे लोग क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, सबके अंदर क्या है, अलग अलग चीजें हैं। कोई ज्यादा मतलब फिजिकली स्ट्रांग है, कोई मेंटली स्ट्रांग है ना, कोई वीक है, तो सबका है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सब अलग अलग जगह से आ रहे, सबका टैलेंट अलग अलग है, सबकी पर्सनालिटीज अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्स, मतलब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं, ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज ए लर्नर विद डिफरेंट स्किल सेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंटरेस्ट। सारे बच्चों का जो स्किल होता है वो अलग अलग होता है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है। किसी को क्या पता मैथ बहुत अच्छी आ रही है, किसी की मैथ वीक है, किसी को साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट। तो सारे बच्चों को हमको क्या करके चलना है, एक साथ लेके चलना है, मतलब ऐसा करिकुलम बनाना है या फिर ऐसी मेथडोलॉजी यूज करनी है कि सारे लोगों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो सके और सारे लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सके आगे आने वाले लाइफ में भी, है ना। आप देखेंगे आजकल का जो करिकुलम बनता है, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम शामिल करते हैं, बहुत सारी नॉलेज को दे, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान रहता है ना, साइंस का भी होता है, मैथ का भी होता है, हम लिंग्विस्टिक पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आजकल फॉरेन लैंग्वेज का भी बहुत कल्चर बढ़ गया है, तो अलग अलग चीजें सब पे हम ध्यान देते हैं। तो यही है कि डाइवर्स लर्नर पे हमको ध्यान देना है कि हर व्यक्ति अलग अलग टाइप का है, तो हम ऐसा करिकुलम बनाए कि सबके लिए अच्छा हो, ऐसे टीचर लाए जो सबको समझ पाए। स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल, तीन तरीके की लर्निंग स्टाइल होती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं। एक तो हमारा होता है विजुअल लर्नर, ठीक है, जैसे कि हम कोई चीज चला रहे हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी आपको विजुअली दिख रहा है कि मैं बता रही हूँ, मुंह चला रही हूँ, हाथ चला रही हूँ, ठीक है, पेन चला रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप इसके थ्रू कर रहे हैं, यानी आप वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग करके चीजों को सीख रहे हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर मतलब क्या है, ऐसे लर्नर कि जो सुन के चीजों को सीखते हैं, है ना, जो सिर्फ अगर ऑडियो सुन, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का क्या है, आँख सही नहीं है, है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट है उसके अंदर, आँख ठीक नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, वो ऑडिटरी लर्नर हो जाएगा, है ना, चीजों को ऑडियो ऑडियो को ही सुन के वो काम अपना करेगा, अपनी लर्निंग कर पाएगा। और तीसरा हमारा क्या हो गया, काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, मतलब किस हिसाब से हम फेशियल का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, किस हिसाब से हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, चलने का जो है। ओके, यू गो, आई विल कम। ओके, तो ये क्या हो गया, तीन तरीके के इसमें होते हैं, मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट है उनकी लर्निंग स्टाइल क्या,
कुछ लोग विजुअल से सुनते हैं, कुछ ऑडियो से सुनते हैं, कुछ बॉडी कैरेक्टर से, मतलब सब मिला के तुम तीनों से, अगर कोई समान बच्चा है तो वो तीनों से सुनेगा, लेकिन किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, अलग अलग चीजों पे वो देखेगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी क्लास होगी 10:15 पे, ओके AM।